अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोएस्ट पॉइंट करेंगे। लोएस्ट पॉइंट के हम तीन सवाल तैयार करेंगे, क्योंकि उसके लिए तीन सवाल ही आते हैं। पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एसपीएससी हो, केपीएससी हो, पीएमएससी, सीएसएस का पेपर हो, तीन क्वेश्चंस आते हैं। उसका नाम पूछा जाता है, जैसे एशिया का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि वो जो एशिया का लोएस्ट पॉइंट है किस कंट्री में है। तीसरा सवाल उसकी डेप्थ पूछ ली जाती है। तो ये तीन सवाल पूछे जाते हैं, तो हम जो सातों बड़े आजम है उनके लोएस्ट पॉइंट पढ़ेंगे आज, और उनके ये तीनों सवाल ही देखेंगे कि वो किस कंट्री में है, उनकी लोकेशन क्या है, उनके नाम क्या है, उनकी डेप्थ कितनी है। चलिए शुरू करते हैं। लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो लोएस्ट पॉइंट है वो एशिया के अंदर है, डेड सी। डेड सी इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा गहरा तरीन जो आप कह लें जो जगह है ना, वो डेड सी है। इसकी लोकेशन क्या है? ये इसराइल और जॉर्डन, ये उन दोनों के दरमियान में आता है ये पॉइंट। इनकी दोनों की बाउंड्रीज डेड सी से मिलती हैं। इसकी अब डेप्थ देखिए तो 430 मीटर, अगर हम फुट में देखें तो 1412 फुट इसकी ना डेप्थ बनती है मेजरमेंट में। तो ये एशिया का सबसे डेप्थ फुट है, डीपेस्ट पॉइंट है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है अफ्रीका का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है लेक असाल। अफ्रीका का डीपेस्ट है लेक असाल है। ये कहाँ पर है? ये डीजीबूटी में है। और इसकी जो देखिए हम मेजरमेंट करें तो 155 मीटर या फिर 509 फीट आती है। आगे हमारे पास यूरोप का आ गया। यूरोप का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है जनाब कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी की जो बाउंड्री लाइन है वो रशिया से भी, आजरबैजान से भी, कजाकिस्तान से भी, तुर्कमानिस्तान से भी और ईरान, इन सब से मिलती है। तो आगे इसके डेप्थ देखें तो 95 फुट है ओनली, और 29 मीटर्स बनते हैं। ये मैप है, एक तस्वीर में देखें, रशिया रशिया, आजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान। तो इन पांचों की पांचों कंट्रीज की जो बाउंड्री लाइन है वो कैस्पियन सी से मिलती है। तो इससे एक और सवाल भी तैयार हो जाता है, कैस्पियन सी पर जिन ममालिक की बाउंड्री लाइन मिलती है इस पर भी सवाल आता है। एक ऑप्शन दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि किस कंट्री की जो है ना बाउंड्री कैस्पियन सी से मिलती है। तो इनमें से एक होगा और बाकी तीन ऑप्शन कोई और होंगे, तो आप ये भी अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली। डेथ वैली, और इसका लोकेशन क्या है? डेथ वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। इसकी जो मेजरमेंट करें तो वो 86 मीटर या फुट में देखें तो 282 फुट आती है। नेक्स्ट हमारे पास है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो डीपेस्ट पॉइंट है या लोएस्ट पॉइंट है वो है वैल्डिस पेनिनसुला। ये कहाँ पर है? अर्जेंटाइन में है। और इसकी जो डेप्थ है, डीपेस्ट जो उसके पॉइंट है वो है 40 मीटर उसकी डेप्थ बनती है, और 131 फुट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जनाब एक लेक एरी है जो उसका डीपेस्ट पॉइंट है, और इसकी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साउथ में है। इसकी डेप्थ देखें तो 15 मीटर बनती है या 49 फुट बनेगी। और लास्ट हमारे पास आ जाता है एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका जो है इसकी नेम देखें तो ये आता है डेनमॉन ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर के अंडर ये उसका लोएस्ट पॉइंट आता है, जिसे हम कहते हैं जो अंटार्क्टिका का लोएस्ट पॉइंट है। ये अंटार्क्टिका के लोकेशन देखें तो ये उसके ईस्ट में है, अंटार्क्टिका के ईस्ट में है। और इसकी अगर डेप्थ देखें तो 3.5 किलोमीटर और 11,500 फुट बनती है। वैसे तो जो डीपेस्ट पॉइंट दुनिया का बन रहा है ना, वो सबसे वो ये वाला बन रहा है डेनमॉन ग्लेशियर्स के नीचे, लेकिन क्योंकि इसकी डेप्थ 3.5 किलोमीटर है। और अगर हम देखें वो एरिया जहां पर इंसानी आबादी है, तो अगर इंसानी आबादी के वाले से देखा जाए तो फिर वही आता है जो हमारा एशिया के अंदर है डेड सी। लेकिन अगर ओवरऑल पूरी दुनिया में देखा जाए तो फिर उसमें आता है डेनमॉन ग्लेशियर आएगा जो एंटार्क्टिका के अंदर है।